हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोटीज टेक्नोलॉजी चैनल। सो भाइयों, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ मोटो G62 5G मोबाइल के बारे में। जी हाँ गाइस, ये मोटो का न्यू मोबाइल है जो कि आपको जून के एंड तक इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगा। ये मोबाइल बहुत ही जल्द आपको लॉन्च होते हुए इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगा। सो इसके जो रेंडर्स और लीक्स काफी सारे निकल के आ रहे हैं, तो इन्हीं सब के बारे में बताने वाला हूँ। इसका लॉन्च डेट, प्राइस पॉइंट, डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा, क्या आपको बेस्ट देखने के लिए मिलेगा। प्राइस पॉइंट 15,000 तक जाएगा और ज्यादा जाएगा नहीं इसका प्राइस पॉइंट। सो 15,000 के रेंज में मोबाइल लेने लायक है या नहीं लायक है, सो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ पता चल जाएगा। सो अगर आप चैनल पर न्यू हो, लाइक एंड सब्सक्राइब बेल आइकन दबा देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और मोटोरोला G62 5G मोबाइल के बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोबाइल के डिजाइन एंड बिल्ड मटेरियल के बारे में। जैसे मोटोस के सभी लुक आपको देखने के लिए मिलते हैं, इसमें भी आपको सेम लुक देखने के लिए मिलेगा। कोई ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। प्लास्टिक का बिल्ड मटेरियल होगा, प्लास्टिक बैक साइड, फ्रंट साइड सभी जगह। फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा। कौन सा प्रोटेक्शन मिलेगा मोटो आपको बताता नहीं है। सो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा एलईडी फ्लैश लाइट के साथ। डाउन साइड इसकी ब्रांडिंग होगी। फ्रंट में आपको सेंटर पंचो डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। 8.5 mm इसका थिकनेस होने वाला है। 184 ग्राम इसका वेट होने वाला है, जो कि डिजाइन बिल्ड मटेरियल आपको यहाँ अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाएगा। और इसको थोड़ा इंप्रूवमेंट करने के लिए IP52 की रेटिंग देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि डस्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ से थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखेगा। कलर्स की बात करें तो आपको ब्लैक, ग्रीन, ब्लू कलर देखने के लिए मिलेगा। 3 कलर वेरियंट देखने के लिए मिलेगा। सो कहूंगा यहाँ आपको डिजाइन बिल्ड मटेरियल में ज्यादा कोई कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। काफी अच्छा आपको डिजाइन बिल्ड मटेरियल देखने के लिए मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात कर ले तो डिस्प्ले 6.5 इंच का फुल HD रिजोल्यूशन वाला IPS LCD पैनल देखने के लिए मिलेगा, सेंटर पंच होल डिस्प्ले के साथ। जो सो अच्छी बात है, प्राइस रेंज के हिसाब से 15,000 के रेंज में IPS LCD पैनल ठीक है, अच्छी बात है। 20:9 एक्सपेक्ट रेशियो मिलेगा। 405 PPI पिक्सल डेंसिटी देखने के लिए मिलेगी। Wide 1 L1 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ऑनलाइन HD में आप मजे से यूज कर सकते हो HD कंटेंट वॉचिंग के लिए। और इसमें HDR10+ का सपोर्ट साइज ही देखने के लिए मिलेगा, कंफर्म नहीं है। 600 की ब्राइटनेस देखने के लिए मिलेगी। 120Hz का रिफ्रेश रेट, 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट। सो यहाँ डिस्प्ले काफी बेटर और काफी अच्छा निकल के आता है। सो इसमें आपको गेमिंग, कंटेंट वॉचिंग काफी अच्छे खासे मिल जाएंगे, तो आपको डिस्प्ले में कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480+ वाला चिपसेट देखने के लिए मिलेगा। 4G चिपसेट है, लेकिन काफी स्टेबल चिपसेट है। 8nm फैब्रिकेशन के साथ आता है, जो कि आपको हीटिंग का प्रॉब्लम, लाइट का प्रॉब्लम बिल्कुल कम देखने के लिए मिलता है। और इसका कंपेयर करेंगे तो स्नैपड्रैगन 730 से कंपेयर कर सकते हैं, जो कि काफी बेस्ट आपको गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग प्रोवाइड करता है। सीपीयू में आपको 2.2 GHz पी क्लॉक स्पीड के साथ आता है। कार्यो जो कि 460 वाले कोर देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको काफी अच्छा सीपीयू परफॉर्मेंस आपको निकलता है। ग्राफिक्स में आपको Adreno 610 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको यहाँ कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा ग्राफिक्स में, सीपीयू में, जीपीयू में। LPDDR4X RAM देखने के लिए मिलेगा और UMCP देखने के लिए मिलेगा, टाइप सी स्टोरेज, जो कि काफी अच्छा आपको यहाँ ऑल ओवर सभी स्पेसिफिकेशन निकाल के मिलेगा प्राइस पॉइंट के हिसाब से। सो इसके चिपसेट में वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग, प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा मिल जाता है, तो इसमें आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलती है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। प्राइस डिपेंड करता है ना गाइस। बैक साइड कैमरे में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। 50MP का प्राइमरी कैमरा EIS के साथ मिलेगा। 15,000 के रेंज में EIS ठीक है, अच्छी बात है। 8MP का अल्ट्रावाइड, 2MP का माइक्रो कैमरा, जो कि फ्रंट में आपको 16MP का प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिलेगा। फुल HD 30fps का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो फ्रंट से, बैक से, दोनों जगह से। सो ये आपको इमेज कैप्चरिंग की बात करें तो आपको काफी अच्छे इमेज कैप्चरिंग, नेचुरल इमेज कैप्चरिंग प्रोवाइड कराता है। ज्यादा कोई टोन, कोई अलग कलरिंग नहीं करता है, नेचुरल आपको इमेज कैप्चरिंग देता है। जैसा आपका फेस वैसे देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। कैमरा परफॉर्मेंस में प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छा है। बैटरी में आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिलेगी। 30W का टर्बो फास्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा। एक दिन का बैकअप आपको आराम से देगा। 7 आवर्स का ऑन स्क्रीन टाइम देगा इसका बैटरी, जो कि USB टाइप सी देखने के लिए मिलेगा। 3.5mm जैक। और इसमें मेन बात यह है, डबल स्टूडियो स्पीकर देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी लाउड और काफी अच्छा है। आपको स्पीकर क्वालिटी देखने के लिए मिल जाएगा। सेंसर्स में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिलेगा। फेस लॉक, थिकनेस शील्ड की सिक्योरिटी देखने के लिए मिल जाएगी। सो सेंसर्स में आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा। कार्ड स्लॉट में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने के लिए मिलेगा। सो ठीक है, इसमें भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, 1 TB तक एक्सटेंड कर सकते हो, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। एक 1 SIM 1 memory दोनों में से आपको जो डिपेंड है यूज कर सकते हो। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसका नेक्स्ट लेवल का सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस होता है। एंड्रॉइड 12 के साथ आ रहा है मोटो का MyUX सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा, जो कि UI क्लीन, ब्रॉडवेयर क्लीन, एड्स क्लीन, नीट एंड क्लीन इसका सॉफ्टवेयर मिलता है, स्टॉक एंड्रॉइड का फील होता है। तो 15,000 के रेंज में इसमें जो स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलते हैं इनफ है, अच्छे खासे मिल जाए स्पेसिफिकेशन। 15,000 के रेंज में इस मोबाइल को परचेस कर सकते हो। और वेरिएंट की बात करें तो 4128 वाला वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलेगा 15,000 में। जी हाँ गाइस, 15,000 में देखने के लिए मिलेगा, ऐसे लीक्स निकल के आ रहे हैं। सो इस प्राइस पॉइंट पे मोबाइल लेने लायक है या नहीं है? यस गाइस, लेने लायक है, आप परचेस कर सकते हो। और कोई डाउट होगा, अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा पता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या कर सकते हो।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।